नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा व असंगठित क्षेत्र के बारे में। तो देखेंगे किस संदर्भ में भी इसे लिखा गया है और सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य क्या है आपका, और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता आखिर क्यों है उस पर भी बात करेंगे। असंगठित क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है और सरकार के क्या प्रयास हैं इस क्षेत्र में उस पर भी बात करेंगे हम लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि अधिकतर आर्टिकल आपके अभी कोरोना वायरस को लेकर ही लिखे जा रहे हैं, और आप लोगों से भी इतना ही कहूंगा कि आप अपनी सेफ्टी और अपने परिवार की सेफ्टी खुद रखनी है आपको, क्योंकि सरकार ने अब छोड़ दिया आपको, आप मरिए या कुछ भी करिए। तो इसमें बेहतर यही है कि आप जब जरूरी कुछ जाना ही जरूरी काम है तभी घर से निकले, अपनी सेफ्टी से घर से निकले हो, ठीक है? क्योंकि आप देखते थे कभी 100 150 केस हम सुना करते थे कि बढ़ रहे हैं, फिर 1000 सुने, अब आप देख रहे हैं कि 27 से 28 हजार केस बढ़ रहे हैं डेली के। तो अभी कहते हैं कि नवंबर दिसंबर में एक पीक पर होगा, यानी कि सबसे भयावह स्थिति नवंबर दिसंबर में होगा। तो अभी तो आपकी शुरुआत है, इसलिए आपको खुद सेफ्टी रखनी है। वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रसार को रोकने हेतु जारी लॉकडाउन के कारण देश के भीतर सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां ठप हैं। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। देश में व्यापक पैमाने पर रोजगार समाप्त हो गए हैं। इस संकट की घड़ी में स्वास्थ्य के साथ ही लोगों की आजीविका भी खतरे में है। ऐसे में प्रभावित लोगों के समक्ष सामाजिक सुरक्षा को प्राप्त करना एक कठिन कार्य भी है। याद रखिए, वैसे भी आपने देखा है कि लॉकडाउन के चक्कर में अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से चरमरा गई है, क्योंकि आपने देखा है कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, अपने देश की एजेंसियां हैं। एक समय हम लोग सुना करते थे 7 दशमलव विकास दर हमारी 7.76 तक पहुंचती दिख रही थी, कभी 7.4 सुना करते थे हम लोग, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि 1.8 से 2.5 तक विकास दर की बात की जा रही थी तीसरी की, और लगभग सभी एजेंसियां आपकी 2-2.5% की बात कर रही हैं। और आपके ही देश की नहीं, हर देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है इससे, क्योंकि आपने देखा है कि 3 महीने तो आपके यहाँ भी कुछ नहीं चला, बिल्कुल सब ठप पड़ा रहा है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों से यह जाहिर है कि हमारा लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। यह प्रस्तावना भारतीय लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षित करने का वादा करती है। इतना ही नहीं, सतत विकास हेतु एजेंडा 2030 के तहत संबंधित विभिन्न लक्ष्यों में सामाजिक सुरक्षा की सार्वभौमिकता का सिद्धांत निहित है। इस संदर्भ में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की अनिवार्यता से ने बहुत अधिक महत्व प्राप्त किया है। याद रखिए, सतत विकास लक्ष्य जो 17 है आपको, इन्हें भी आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस बनते रहते और मेन समय भी क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं इससे। सामाजिक सुरक्षा से आखिर तात्पर्य क्या है, सामाजिक सुरक्षा होती क्या है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा है जो स्वयं तथा अपने आश्रितों को न्यूनतम आय उपलब्ध कराने की आश्वासन प्रदान करती है और किसी भी प्रकार की अनिश्चितता से व्यक्ति की रक्षा करती है। अमेरिकन विश्वकोश में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है, सामाजिक सुरक्षा कुछ उन विशेष सरकारी योजनाओं की ओर संकेत करती है जिनका प्रारंभिक लक्ष्य सभी परिवारों को कम से कम जीवन निर्वाह के साधन और शिक्षा तथा चिकित्सा की व्यवस्था करके दरिद्रता से मुक्ति दिलाना होता है। आप सभी जानते हैं किसी भी व्यक्ति की, कोई भी कहीं भी रह रहा हो विदेश में या फिर हमारे देश में, उसकी जरूरतें क्या क्या होती हैं। शिक्षा, दूसरा उसे रोजगार मिलता रहे, तीसरा उसे चिकित्सा मिलती रहे यानी कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, बस ये 3 ही तो मुद्दा है, गरीब के हों फिर चाहे किसी के, अगर आप इन्हें उपलब्ध करा देते हैं तो एक व्यक्ति सुखी रहता है। और अभी लॉकडाउन के चक्कर में आपने देखा है हमारे यहाँ की जो ठेले लगाने वाले होंगे, रेडी लगाने वाले होंगे, आप समझिए कि उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी स्थिति कितनी खतरनाक हो चुकी होगी। और आप सोच रहे हैं कि आपने देखा है कि हमारे यहाँ 500 500 रुपये महीने में दिए गए हैं सरकार की तरफ से,
तो आप ही सोचिए कि 500 रुपये में क्या होता है इस समय, समझ रहे हैं आप लोग। अमेरिका में आपने देखा है कि एक अच्छी खासी रकम डायरेक्ट बैंकों के यानी कि सबके खातों में डाली गई है। जापान में भी देख सकते हैं, ब्रिटेन में देख सकते हैं आप लोग, लेकिन हमारे यहाँ इतनी बड़ी रकम नहीं दी गई जिससे खर्च चल सके सभी लोगों का। सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है? भारत का विशाल असंगठित क्षेत्र, देश की अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक का योगदान करने वाले असंगठित क्षेत्र के लोगों का कुल कार्यबल में हिस्सा 80% है। भारत का असंगठित क्षेत्र मूलतः ग्रामीण आबादी से बना है। इसमें अधिकांशतः वे लोग होते हैं जो गांव में परंपरागत कार्य करते हैं। गांव में परंपरागत कार्य करने वालों के अलावा भूमिहीन किसानों और छोटे किसान भी इस श्रेणी में आते हैं। शहर में ये लोग अधिकतर खुदरा कारोबार, थोक कारोबार, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, भंडारण और निर्माण उद्योगों में काम करते हैं। इनमें अधिकतर ऐसे लोग हैं जो फसल की बुआई और कटाई के समय गांव गांव में चले जाते हैं और बाकी समय शहरों महासागर नगरों में काम करने के लिए आजीविका तलाशते हैं। आपने देखा है फसल कटते टाइम लोगों की जरूरत पड़ती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि उस समय गांव में आ जाते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि बेरोजगार हो जाते हैं तो ये शहरों की तरफ चले जाते हैं क्योंकि ये गांव की तरफ उन्हें रोजगार नहीं मिल सकता है। अगर आप सोचिए कि इन्हें शिक्षा की और स्वास्थ्य और रोजगार अगर गांव में ही उपलब्ध करा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई जाना शहरों में जाना पसंद करेगा, क्योंकि आपको सभी सुविधाएं अगर आपके सामने ही उपलब्ध हैं तो आप वहां से जाना क्या वो पसंद करेंगे, समझ रहे हैं। ये बहुत मजबूरी में छोड़कर घर जाते हैं शहरों की तरफ। महंगी स्वास्थ्य सेवाएं, महंगी होती स्वास्थ्य सेवाओं के कारण आम आदमी द्वारा स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिससे यह वर्तमान समय में गरीबी को बढ़ाने वाला एक प्रमुख कारण माना जाने लगा है। इसके साथ ही वैश्विक महामारी COVID-19 ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में तेजी से प्रगति करने के लिए राज्य के नीति नियंताओं का ध्यान आकर्षित किया है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज न केवल स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मूलभूत शर्त है, बल्कि यह अन्य लक्ष्यों जैसे गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, बुनियादी ढांचा, असमानता कम करना, न्याय और शांति आदि की प्राप्ति के लिए भी आपका आवश्यक होता है स्वास्थ्य कवरेज। ये आपके सभी देख रहे हैं आप लोग, SDG यानी कि सतत विकास लक्ष्य 1 है, पर ये 4 है आपका। इस तरह के टोटल आपके 17 हैं, सभी को याद रख लीजिए अच्छे से। और आप सभी जानते हैं कि सरकार जो भी सरकारी हॉस्पिटल है उनकी स्थिति आप लोग बेहतर जानते हैं कि लोग वहां जाने से अच्छा है घर में मरना पसंद करते हैं, इतनी भयानक खराब स्थिति है, समझ रहे हैं। स्कूलों की देख लीजिए आप लोग, अपने बच्चों को पढ़ाते इसीलिए तो पढ़ाते नहीं, वरना सरकारी स्कूल हर शहरों में खुले हुए हैं, हर ग्रामीण क्षेत्रों में भी, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्रों की देखिए मास्टर साहब के क्या हाल रहते हैं। तो सुधार होना चाहिए, बड़े व्यापक स्तर पर सुधार की जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा पर पर्याप्त व्यय, भारत में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का एक व्यापक उद्देश्य है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को छोड़कर पर समग्र सार्वजनिक व्यय केवल अनुमानित है। अब बात करते हैं असंगठित क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है। बेहद कम आमदनी, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की आय संगठित क्षेत्र की तुलना में ना केवल कम है बल्कि कई बार तो यह जीवन स्तर की न्यूनतम निर्वाह के लायक भी नहीं होती है। इसके अलावा अक्सर कृषि और निर्माण क्षेत्रों में पूरे वर्ष काम ना मिलने की वजह से वार्षिक आय और भी कम हो जाती है। इस क्षेत्र में न्यूनतम वेतन ही नहीं दिया जाता जो कि कर्मचारियों को दिया जाना बाध्यकारी है, इसलिए न्यूनतम मजदूरी दरों से भी कम कीमतों पर एक कामगार अपना श्रम बेचने को विवश हो जाते हैं। वैसे भी हमारे देश में न्यूनतम मजदूरी की दरें वैश्विक मानकों की तुलना में बहुत कम है। आपको मैं बता भी चुका हूँ कि आपके यहाँ वो लोग गरीब कहलाते हैं जिनके पास खाने की एक वक्त अच्छे से रोटी नहीं है, और अमेरिका में वो लोग कहलाते हैं जो एक VIP कार नहीं खरीद सकते हैं, उन्हें गरीबों की श्रेणी में रखा जाता है। तो आप समझिए कि मतलब हम लोग कहाँ हैं। आप चाइना की बात करते हैं, चाइना कुछ सालों में
एक नंबर पर जीडीपी के मामले में पहुंच जाएगा, अमेरिका को भी पछेल देगा, पछाड़ देगा, समझ रहे हैं। और आप सोचिए कि चाइना, हम लोग माने या ना माने, हम लोग अंधभक्ति की तरह बोलते रहते हैं वो मैं ऐसा हूं चाइना से, पाकिस्तान से आगे निकल रहा हूं, नहीं हकीकत कुछ और है। आप देखिए आप कहां कहां तक जा रहे हैं, आपके नेपाल पर कब्जा कर लिया है आपके चाइना ने, पाकिस्तान को देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए आप लोग, और पूरे एशिया में आप देखिए किस तरह से अपना दबदबा बनाए हुए हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कुछ तो हमारी कमी रह गई नेताओं की, पॉलिटिशियन की, वरना आप समझ सकते हैं कि 1949 में आपका चाइना आजाद हुआ है, 1947 में भारत आजाद हो गया, यानी कि भारत के 2 साल बाद चाइना आजाद होता है, फिर भी आप देख रहे हैं कि चाइना कहाँ पहुंच चुका है और हम लोग कहाँ रह चुके हैं। एक तो हकीकत यही है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में हो या फिर हकीकत, हम लोग सच सुनना पसंद नहीं करते, समझ रहे हैं आप लोग। चाइना अमेरिका से हम लोग बराबरी नहीं कर पाते हैं। अभी आपने देखा है, मैं पहले ही बोल रहा था कि बाइकॉट चाइना चल रहा था, कि सामान का बाइकॉट किया जा रहा था। कौन सा बाइकॉट कर दिया आपने, क्या कर दिया, बस वही वो जो एप्स बैन हुए हैं वही सक्सेस हुए हैं आप लोग, समझ में आया होगा आपको, क्योंकि आपका व्यापार बराबर चल रहा है, समझ रहे हैं। और आपने अभी मोबाइल का देखा होगा, मोबाइल बराबर बिक रहे हैं चाइनीज, कोई कमी नहीं आई हुई है। और अगर आप इतना याद रखिए, अगर जो एप्स थे अगर उन पर बैन नहीं लगाया जाता, उन्हें प्ले स्टोर से ना हटाया जाता, तब वो भी यूज होते भारत में, समझ रहे हैं आप लोग। छोड़िए, अभी मैं कल ही परसों किसी अच्छे पॉलिटिशियन का नाम भाषण सुन रहा था, वक्तव्य, तो वो बता रहे थे कि हमारे सांसदों ने लॉकडाउन के दौरान अच्छा काम किया हुआ है। आप ही सोचिए, आपको कोई सांसद रोड पर दिखा है, किसी भी पार्टी का कोई विधायक रोड पर दिखा है, किसी की मदद करते हुए दिखा हो, किसी गरीब को खाना खिलाते हुए दिखा हो। आपने समाज से भी देखे होंगे, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, आपके एक्टर, कई एक्टरों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है गरीबों की मदद करने में। लेकिन हमारे राजनेता घर में बैठकर रामायण देख रहे थे या फिर कोई और सीरियल, महाभारत, इस तरह के सीरियल देख रहे थे। आप सोचिए कि अगर सभी नेता अगर मदद करते तो किसी माँ को अपना माँ को रोड पर बच्चे को जन्म देने की नौबत ना आती कभी। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको लगता हो, आपको भरोसा हो, लेकिन नेता अधिकतर बहुत बदल चुके हैं। अब वो हमारे गांधी टाइम के नेता नहीं बचे हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उस टाइम के लोगों में और अभी के लोगों में जमीन आसमान का फर्क है, समझ रहे हैं। अब आपके वोट का मुझे लगता है कि लोकतंत्र पर भी आपके प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि आप वोट दे देते हैं, उसके बाद आपका जो जिसे आप चुन रहे हैं, फिर चाहे MP हो चाहे MLA, यानी कि विधायक हो या लोकसभा सदस्य हो, आपने वोट दिया, उसके बाद उसे किस पार्टी में मिलना है, क्या करना है, अपने आप को बेचना है या क्या करना है, उस पर निर्भर रहता है। आपके वोट की इतनी कीमत है कि आप केवल उसे वोट दे दीजिए, उसके बाद आपका कोई महत्व नहीं है, आप उसके लिए कोई महत्व नहीं है आपके लिए, समझ रहे हैं आप लोग। तो अभी आज ही कल आर्टिकल निकला हुआ था कि लोकतंत्र पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। अस्थायी रोजगार, असंगठित क्षेत्र में रोजगार गारंटी ना होने के कारण रोजगार का स्वरूप अस्थायी होता है, जो इस क्षेत्र में लगे कामगारों को हतोत्साहित करता है। रोजगार स्थिरता ना होने के कारण इनमें मनोरोग का खतरा भी संगठित क्षेत्र के कामगारों से अधिक होता है। इनके पास विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं पहुंच पाता है। बिचौलियों और अपने नियोक्ताओं द्वारा भी इनकी उपेक्षा की जाती हो। यानी कि आपने अभी भी देखा होगा कि व्यक्ति 3-4 हजार रुपये में काम करने के लिए तैयार है। मैंने कई दुकानों पर देखा है कि 2500 रुपये दिन में लड़के लगे हुए हैं। अब सोचिए 2500 रुपये में क्या होता होगा, कैसे खर्च चलता होगा उनका, ये सोच सकते हैं आप लोग। स्थिति यानी कि बाहर कर खराब है, बहुत बुरी। श्रम कानूनों के तहत नहीं आते हैं अधिकांश असंगठित जो श्रमिक हैं, ऐसे उद्यमों में काम करते हैं जहां श्रमिक कानून लागू नहीं होते, इसलिए इनकी कार्य दशा भी सुरक्षित नहीं होती है। इनके लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बहुत अधिक होते हैं। अब आपके खतरनाक उद्यमों में भी सुरक्षा भी नहीं है।
बाल श्रम महिलाओं के साथ अन्याय की सीमा तक असमानता और उनका शारीरिक मानसिक तथा यौन शोषण आम बात हो गई है। कई व्यवसायों में स्वास्थ्य मानकों के ना होने की का मसला भी चुनौती के रूप में इससे जुड़ा हुआ है। माचिस के कारखाने में काम करने वाले, कांच उद्योग में काम करने वाले, हीरा तराशने वाले, कीमती पत्थरों पर पॉलिश करने वाले, कबाड़ बीनने वाले, पीतल और कांसे के बर्तन बनाने वाले तथा आतिशबाजी बनाने वाले उद्यमों में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक काम करते हैं। बढ़ती हुई जटिल आर्थिक सामाजिक व्यवस्था। जटिल आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के बढ़ने से इन कामगारों का दैनिक जीवन कहीं ज्यादा व्यस्त और जीवन स्तर कहीं ज्यादा निम्न हो गया है। आय और व्यय के बीच असंगत संगति ने इनकी आर्थिक स्थिति को इस लायक नहीं छोड़ा कि ये बेहतर जीवन जी सकें। इसलिए सरकार समय समय पर अनेक योजनाएं चलाती तो हैं, लेकिन इसके सामने बहुत सी बाधाएं भी आती हैं जो उन योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन के आड़े आती हैं। आपने देखा अभी मनरेगा अच्छा काम कर रहा है, मनरेगा में अच्छा रोजगार मिल रहा है, लेकिन यार पता है वो सरपंच भी घपला कर देते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच हैं वो भी घपला कर देते हैं, वो भी फर्जी जो मनरेगा कार्ड होता है उसे बना देते हैं और जो काम कर रहा है उसके भी पैसे लेते रहते हैं उसमें से भी, और जो नहीं कर रहा है उसके भी पैसे उठाते रहते हैं। फिर आपके अगर सरकार की तरफ से प्रयास की बात करें हम लोग, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, वित्तीय वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट जब पेश हुआ तो सरकार ने 15,000 रुपये तक मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। वस्तुतः वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस योजना में मासिक आय की राशि को घटाकर इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 विधायी उपायों में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के संबंध में सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 अधिनियमित किया। यह अधिनियम राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को कुछ जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराता है। इसके जरिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के निर्माण, जीवन और विकलांग कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा और कोई भी अन्य लाभ जो असंगठित मजदूरों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है उसके लिए अनुशंसाएं दी जाती हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का भी गठन किया गया है। आयुष्मान भारत योजना, ये भी बहुत सफल रही है। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार का एक प्रमुख योजना है जिसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर किया गया है लागू। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की बाधाओं को समाप्त करना, साथ ही इस योजना के माध्यम से देश की 40% जनसंख्या को स्वास्थ्य कवर के दायरे में लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। आम आदमी बीमा योजना, सरकार ने मृत्यु और अपंगता की स्थिति में बीमा प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना प्रारंभ किया है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए कई अन्य रोजगार सृजन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सरकार लागू कर रही है, जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मनरेगा, हथकरघा बुनकर योजना, हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजनाएं, मछुआरों के लिए के कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजना, प्रशिक्षण और विस्तार जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना आदि। लास्ट में कह सकते हैं हम लोग कि इस सब के बावजूद आज भी इस वर्ग का सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। इस क्षेत्रों में से जुड़े लोगों में आजीविका असुरक्षा, बाल श्रम, मातृत्व सुरक्षा, छोटे बच्चों की देखरेख, आवास, पेयजल, सफाई, अवकाश से जुड़े लाभ और न्यूनतम मजदूरी जैसे मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में सरकार को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए समग्र नीति बनानी चाहिए और अर्थव्यवस्था में अनेक योगदान को स्वीकार करते हुए व्यवस्था में उचित भागीदारी देनी चाहिए। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, आर्टिकल में कुछ भी रहे, कोई भी आर्टिकल लिखे, कहीं से भी आर्टिकल आप लोग पढ़ें, आपको उसमें से ऐसे पॉइंट निकालना है जो आपके लिए जरूरी है, वही आंसर में आपको लिखना है। हकीकत कभी नहीं लिखना है, क्योंकि आप सोचिए कि हकीकत आप लिख दें तो मुझे नहीं लगता है कि नंबर मिलेंगे आपको।
तो आपको क्या करना है कि एक बैलेंस बनाकर पॉजिटिव, या तो आपको नेगेटिव यानी कि नकारात्मक तत्व नहीं लिखना है एकाएक, और ना ही पॉजिटिव पॉजिटिव, आपको एक बीच का रास्ता चुनना है और दोनों को मिलाकर एक लिखना है, ठीक है? इससे आपका बैलेंस बना रहे, वो यही करेंगे तो बेहतर आंसर लिख पाएंगे। क्योंकि कभी आपने देखा है कि सोनिया गांधी लिखती हैं आरटी पर, कभी आपने देखा है कि आपके बीजेपी के कई नेता, वित्त मंत्री सीता निर्मला सीतारमन साहब लिखती रहती हैं, तो आप जानते हैं कि जो कांग्रेस सोनिया गांधी लिखेंगी तो बीजेपी की बुराई करेंगी, और आप देखेंगे कि अगर वित्त मंत्री साहब लिखेंगी तो वो कांग्रेस की बुराई करेंगी। तो याद रखिए, लेकिन इन दोनों आर्टिकल में हमें कुछ ना कुछ पॉइंट देखने को जरूर मिलेंगे जो हमारे लिए जरूरी रहेंगे, तो नई पॉइंट को पकड़ना सीखिए, ठीक है?